खबर है उत्तर प्रदेश की, जहां अमरोहा के बछरायू कस्बे से बाजार में खरीदारी करने गई तीन लड़कियां अचानक गायब हो गई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया तो पुलिस ने इस पूरे मामले में देर रात की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के बछरायू थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी और उसकी सहेली और उसके एक रिश्तेदार युवती के साथ तीनों गुप्ता मार्केट गई थी और बछरायू कस्बे से तीनों युवतियाँ रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी हैं, जिसके बाद एक युवती के मोबाइल से उसकी माँ के पास मैसेज आया कि उनकी जान खतरे में है, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। तीनों युवतियों का अपहरण का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तीनों युवतियों को पुलिस बरामद कर लाई है और अब पुलिस इन तीनों युवतियों से पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर यह तीनों युवतियां कहां गई थी और इनके साथ क्या हुआ था। जी, इसमें थाना बछरायू क्षेत्र से रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि तीन युवतियां अपने घर से गायब हैं। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जो तीनों युवतियां थी उनकी उम्र 22 से 17 साल के बीच में थी और तीनों मित्र थी, और इसमें हमारे एडिशनल SP और CO साहिबान ने जाकर वहाँ पर टीमें गठित की, उनका नेतृत्व कर सुबह तीनों लड़कियों को बरामद किया है और इनसे अभी महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा रही है और जो भी इनके द्वारा बयान दिए जाएंगे, जो घटनाक्रम बताया जाएगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कैसे जो जहाँ से बरामद किए हैं लड़कियाँ, मतलब किसी जैसा था इनका कोई अपहरण का, मतलब कैसा किस अब खुद साजिश तैयार हुआ उनको गायब हुई थी जी। इसमें इसी के अनावरण के लिए अभी महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा तीनों जो युवतियाँ बरामद हुई हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी उनके बयान आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।